स्वागत है मेरे चैनल ही एंड शी किचन में। और आज जब मैं किचन में खाना बनाने आई तो बच्चों ने साफ बोल दिया कि आज हम रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, आज हमें खाना है कुछ स्पेशल। तो मैंने बनाया है कुछ स्पेशल, लेकिन है ये स्पेशल नहीं वैसे, क्योंकि ये मैंने बनाया जस्ट गेहूं के आटे से और सब्जियों से ही। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हमारी स्पेशल रेसिपी, वेज रोल, जो बना है बिल्कुल रोटी और सब्जी की तरह, लेकिन बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। आइए शुरू करते हैं बनाना। तो वेज रोल बनाने के लिए हम लेंगे ढेर सारी वेजेस, तो जो भी आपके घर में है आप ले सकते हैं। तो मैंने ली है पत्ता गोभी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, और ये है प्याज, टमाटर, इनको भी बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लीजिए। साथ ही मैंने ली है ग्रीन बेल पेपर, यानी कि शिमला मिर्च, आपके पास रेड हो येलो हो आप ले सकते हैं। और ये मैंने ली है खीरा ककड़ी, तो अगर आपके पास खीरा ककड़ी नहीं हो तो स्किप कर दीजिए, आप इसकी जगह गाजर भी ले सकते हैं। और ये मैंने ली है थोड़ी सी हरी मिर्च और ये लहसुन। तो आइए शुरू करते हैं वेज रोल बनाना। तो हमने एक पैन लिया है और उसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा बटर। तो बटर डालने से सब्जियों का स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं बटर ले रही हूँ। और आप चाहे तो घी ले सकते हैं या फिर तेल भी ले सकते हैं। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं ये कुटा हुआ लहसुन, आपके पास अदरक है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। और इसमें थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे प्याज, ये गए हमारे प्याज। तो बटर के साथ जब हम प्याज और लहसुन को फ्राई करते हैं तो इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आती है, मतलब हमारी जो भूख है उसको बढ़ा देती है। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। तो प्याज को हल्का सा हमें फ्राई करना है, बहुत ज्यादा नहीं, और हमने सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है ताकि ये जल्दी से पक जाए, ज्यादा तो हमें पकाना ही नहीं है इसको। और अब ये गई पत्ता गोभी। और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसमें गई शिमला मिर्च और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। साथ ही अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर और ये गई खीरा ककड़ी। और अब सब्जियों को जल्दी से पकाने के लिए इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। गया स्वाद के अनुसार नमक, तो नमक आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो बस सब्जियों को एक बार अच्छे से मिक्स कर ले, और ये है ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो बस इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से मसाले जो इसका स्वाद कई गुना बढ़ा देंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स जो है वो अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो तो कम डालें। साथ ही इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी काली मिर्च, तो काली मिर्च से इसका स्वाद तो बढ़ता ही है और ये बहुत फायदेमंद भी होती है। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगेनो, तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए। गया ऑरिगेनो। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा विनेगर, तो ये लगभग एक चम्मच विनेगर, और थोड़ा सा सोया सॉस लगभग एक चम्मच, ये भी गया, भी कर देते हैं मिक्स। और ये लीजिए तैयार हो गई है हमारी वेज रोल के लिए। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देते हैं और तब तक तैयारी करते हैं रोल की। तो अब हम ले रहे हैं आटा, तो ये है गेहूं का आटा जो हम रोटियों के लिए लगाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें आधा गेहूं और आधा मैदा का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फिलहाल पूरे गेहूं का आटा ही लिया है। और इसको बहुत ही सॉफ्ट लगाना है, और ये आधे घंटे हो चुका है इसको रखे हुए, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है।
अब हम बनाते हैं रोटी। और इसके लिए हम लेंगे एक लोई, तो आप थोड़ी सी मोटी लोई लें। ये देखिए मैंने ली है मोटी, और इसको थोड़ा सा आटा डस्ट करते हुए बेल लें। अब इसको बेलने के लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा लंबा बेलना है और इसे बीच से करना है बिल्कुल फोल्ड। तो ये देखिए ये बन गई है मेरे दो लोइयां। और अब इसमें हम लगा देते हैं थोड़ा सा तेल, और साथ इस पे हम डाल देंगे थोड़ा सा सूखा आटा। और अब इसको कर देते हैं इसके ऊपर पैक, और अब इसको हम पतला पतला बेल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरी रोटी बना ली है, और अब इसको हम तवे पर डाल देते हैं। तो अब इसको हम दोनों तरफ से थोड़ा सा तेल लगाकर सेक लेंगे। ये हमने दोनों तरफ तेल लगा दिया है इसके। और अब मैं ले रही हूँ दूसरा, तो इसको भी हम थोड़ा सा सूखे आटे से कवर करेंगे, और इसको थोड़ा सा लंबा बेल कर बीच में से करेंगे फोल्ड। और अब इस पर हम लगा देते हैं थोड़ा सा तेल। तेल आप थोड़ा अच्छा लगाएं, और साथ ही इस पे डाल दें थोड़ा सा सूखा आटा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नई नई डिशेस बनाने को सीखने को मिले। और अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लगती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसमें थोड़ा सा सुधार भी कर सकूं। तो देखिए रोटी जो है दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है, और अब इसकी जो परत है वो इजीली अलग हो जाएगी। तो इसको हम अलग कर लेते हैं। तो अभी थोड़ी गर्म है, पहले हम इसको उतार लेते हैं तवे से। तो ये गई हमारी दूसरी रोटी भी। तो इसी तरह से अब हम सारी रोटियों को बना लेते हैं फटाफट से। अब जब तक रोटी सिक रही है हमारी दूसरी, इसकी परत हम अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने इजी वे में रोटियां अलग हो गई, और काफी पतली और बहुत ही अच्छी शानदार बनी है। तो ये हम एक रोटी में, एक बार में हम दो परत बना सकते हैं। इसमें गरम है, और अब जो हमारी फिलिंग है सब्जियों की, वो हम इसमें भरते हैं। तो तैयार हो गई है सारी रोटियां। तो ये मैंने ली सबसे पहले एक। अब आप देखिए कि इसको हमें फिल कैसे करना है। हम रोटी के बिल्कुल बीच में रखते हैं थोड़ी सी फीलिंग। तो ये गई ढेर सारी सब्जियों वाली फीलिंग। और रोटी जो है वो हमने बनाई है गेहूं के आटे से ही। इसके ऊपर आप डाल दीजिए थोड़ा सा टमाटो सॉस, साथ ही इस पे डाल देंगे हम थोड़ी सी मेयोनीज। तो ये मैंने एक पॉलीथीन में, पॉली बैग में डाल ली है, और उसके ऊपर आप इस तरह से डाल दीजिए। थोड़े से डालिए प्याज। तो बस अब बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि हमने उन्हें रोटी और सब्जी इस तरह से खिलाई है, और ये उनके लिए होगी बिल्कुल एक नई डिश। तो लीजिए तैयार हो गया है हमारा वेज रोल। और अब आप लीजिए एक टिश्यू पेपर, और इस तरह से रख दीजिए, इसको कर दीजिए थोड़ा सा पैक।
ये बन गया हमारा रोल और इसी तरह हम बाकी के रोल्स भी बना लेते हैं फटाफट से। और अब एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने रोटी ली है और उसके ऊपर मैंने लगा दी थोड़ी सी पिज्जा सॉस। तो पिज्जा सॉस सबके घरों में नहीं मिलती है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले बिना पिज्जा सॉस के बताया है। तो अगर आपके पास बिना पिज्जा सॉस नहीं है तो आप वैसे बना लीजिए, और अगर पिज्जा सॉस है तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। और फिलिंग का तरीका इस तरह से भी है कि आप साइड में फिलिंग भर दीजिए, तो इसके ऊपर आप फिर से डाल दीजिए थोड़ा सा टमाटो सॉस और साथ ही डाल दीजिए मेयोनीज, मेयोनीज और प्याज। और आप चाहें तो इस पर हरी मिर्च, शिमला मिर्च, कुकुम्बर, धनिया कुछ भी डाल सकते हैं, और इसको फोल्ड कर दीजिए। तो ये जो है बच्चों को बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है। तो लीजिए तैयार है हमारे वेज रोल्स जो हमने बनाए हैं घर के ही सामान से। बिल्कुल कोई सामान हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है और बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने डाली है ढेर सारी सब्जियां, और ये बने हैं गेहूं के आटे से और खाने में तो इतने टेस्टी कि अगर आपने एक बार बना लिए तो आप हर दिन बनाएंगे। तो हम लेते हैं अब हमारे वेज रोल्स का आनंद और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।